Hello everyone, I welcome you all in today's Insta Live session. और आज का जो हमारा session है वो बहुत ही ज़्यादा unique है और बहुत ही ज़्यादा important भी है. और जल्दी से जितने भी लोग आपकी टीम से को लगता है कि ये session उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको जल्दी से इस Instagram Live session का link आप ज़रूर forward करें, ताकि वो भी आज जो इस इंडस्ट्री है उसकी प्रॉपर डेप्थ नॉलेज वो लोग ले पाएं. क्योंकि आज के टाइम के अंदर जहां पर ये इंडस्ट्री अपने आप को प्रूव करके दिखा रही है और करके दिखाया है, उस समय पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें एक लीगल आइडेंटिटी में और एक इलीगल पोंजी स्कीम्स के अंदर. तो आज का जो टॉपिक है मुझे लगा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो यूथ है, जो यंगस्टर हैं, उनके अंदर बहुत सारे ड्रीम्स और एम्बिशंस हैं. वो लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा करने के साथ साथ वो उसको जल्दी करना चाहते हैं. और आप भी इस बात से एग्री करोगे कि आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम के अंदर हमें सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि वो कामयाबी जो है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर हम उसको हासिल कर पा रहे हैं. और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जहां पर हर किसी को सारी चीजें जल्दी चाहिए, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम सही और गलत के बीच का जो माइनर सा एक थ्रेड है, जो एक थिन लाइन है, उसको हम पहचान पाए. राइट, क्योंकि हमें सारी चीजें जल्दी चाहिए. आज की दुनिया में आप देखिए, कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर हो रहा है, कोई भी अगर प्रचार हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन जरूर मेंशन की जा रही है. चाहे आप देख लीजिए पिज्जा डिलीवरी, पिज्जा डिलीवर हो 30 मिनट्स के अंदर, आप देखिए इनो असर करे 6 सेकंड के अंदर, डिस्प्रिन खाने के 3 सेकंड के अंदर सर का दर्द दूर करे, वॉल्वीन आपका स्प्रे लगाइए, इतने सेकंड के अंदर आपका दर्द दूर हो जाएगा. मतलब हमने ये देखने को मिला और हमने ये देखा कि आज के टाइम के अंदर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है, तो उसमें ये भी साथ में मेंशन किया जा रहा है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो असर है, वो कितने देर के अंदर हो रहा है, कितने समय के अंदर हो रहा है. क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम के अंदर लोगों के अंदर एक वर्ड है जिसका नाम है पेशेंस. पेशेंस नाम का जो एक वर्ड है वो लोगों के अंदर कम है, कम हो चुका है. और खास तौर से अगर हम यंगस्टर की बात करें तो यंगस्टर्स के अंदर तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है. राइट, अक्सर मुझे याद है, बहुत मैं कॉमनली हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कभी हम किसी भी चीज को जब लेने जाते हैं तो भारत के अंदर अक्सर लाइंस का सिस्टम है, लाइन का कल्चर है. आप कोविड की वैक्सीन के लिए बात कर लीजिए, आप रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए बात कर लीजिए, आप जियो की सिम के लिए, आपको याद होगा जब जियो की सिम फ्री में बांटी जा रही थी, तो आपको याद होगा उस समय पर भी लोग लाइंस में लगकर अपनी सिम की बारी का इंतजार करने के लिए जा रहे थे. और अक्सर हमने देखा है चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो, कहीं भी भीड़ हो, वहां पर लाइन सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर चलता है. मुझे याद है बहुत अच्छे से, कभी मैं रिजर्वेशन करवाने जाया करता था तो वहां पर रेलवे काउंटर्स पर 3-3, 4-4 लाइन हुआ करती थी, और मैं उस लाइन को हमेशा सेलेक्ट किया करता था जो 4 से 5 लाइन के अंदर सबसे छोटी लाइन होती थी. और जब लाइन पे लगने के बाद मैं जिस भी लाइन में लगता था, अक्सर नेचुरल वे में, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जिस लाइन में आप हमेशा लगते थे वो लाइन स्लो चलती थी, और जो आपकी एडजेसेंट लाइन थी, जो आपकी पड़ोस में लाइन थी, वो अक्सर आपकी लाइन से ज़्यादा जल्दी शॉर्ट होती थी. तो हमारे मन के अंदर एक लालच आता था कि यार शायद उस लाइन में अगर मैं लग जाता तो शायद मेरा नंबर जल्दी आ जाता, और हम पेशेंस अपना लूज कर हम दूसरी लाइन में जम कर जाते हैं. अक्सर ऐसा होता है. मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर जितने भी हमारे साथ यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है और उन्होंने ऐसी चीज करी है कि अपनी लाइन को छोड़कर वो दूसरी वाली लाइन के अंदर जाकर लग गए हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो लाइन ज्यादा जल्दी जल रही है और उसमें मेरा नंबर ज्यादा जल्दी आ जाएगा. मैंने अक्सर ऐसा किया है, चाहे वो ट्रैफिक लाइट पर हो, चाहे वो किसी शॉप पर हो या किसी भी चीज पर हो, मैंने अक्सर कॉलेज टाइम में ऐसा जरूर किया है. और होता क्या था, जब भी मैं बगल
उस एडजेसेंट लाइन में जाता था तो होता क्या था कि जिस लाइन में मैं एग्जिस्टिंग में था वो लाइन फिर तेज चलने लगती है और वो लाइन स्लो हो जाती है। ऐसा अक्सर हमारे साथ कहीं ना कहीं हुआ है। तो आज ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया, टॉपिक क्या है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, स्क्रीन पर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस इलीगल पोंजी स्कीम्स। आज इस पर बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम और हम नहीं, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड एक बहुत ही टफ टाइम से और एक बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहा है, और वो चुनौती आप सब लोग भली भांति जानते हैं। उस चुनौती का नाम है COVID-19। इस टफ टाइम के अंदर पिछले 1.5 साल से हम सभी लोग एक चुनौती की तरह इससे लड़ रहे हैं, और अब स्थिति और खतरनाक और भयावह होती चली जा रही है, जिसके कर जो लोग हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज की आज कमी है, और जिसके कर आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे, कि जब जब गरीबी आती है तब तक क्राइम बढ़ता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, आज सारे ही लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मैसेज कर मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं और मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो जब क्राइम बढ़ता है तो क्राइम के अंदर, आज की दुनिया के अंदर जो क्राइम है वो डिजिटल रूप ले चुका है। वो क्या ले चुका है, वो डिजिटल रूप ले चुका है, और हमारे पास में बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आते हैं, ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जो OTP की डिमांड करते हैं, या अलग वे में आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर लिए जाते हैं। ये सब चीजें होने लगी हैं। तो बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री को समझना कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस इलीगल पोंजी स्कीम्स, राइट। अगर हम बात करें, हमारे भारत के अंदर ये पुरानी प्रथा रही है कि कोई भी चीज जो आती है और वो अगर सक्सेसफुल होती है तो उसका कॉपी और डुप्लीकेट बहुत जल्दी आ जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि आप हमारे हमारे देश के किसी भी कोने पर जाकर किसी भी सनग्लास की रोड साइड दुकान पर आपको रेबेन सनग्लास बिकता हुआ दिख जाएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कितने लोग मानते हैं इस बात को कि 90% रेबेन जो सनग्लास है वो डुप्लीकेट आपको मिलता है हर नुक्कड़ पर, हर कोने पर, हर चश्मों की दुकान पर। एग्री करते हैं इस बात से, रेबेन एक ब्रांड है जो कि अमेरिकन ब्रांड है, राइट। लेना तो लोग चाहते हैं लेकिन उनको पता है कि डुप्लीकेट से भी काम हम चला लेंगे। रिबॉक एक ब्रांड है लेकिन रिबूक भी एक शूज आते हैं जो कि डुप्लीकेट है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी फेमस चीज जो होती है, जो हिट हो रही होती है, उसका डुप्लीकेट और उसका फ्रॉड क्रिएट हो जाता है। वैसे ही अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग भी आज एक 21st सेंचुरी की सबसे तेजी से ग्रो होने वाला कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को ज्यादातर जितने भी आज बिजनेसेस हैं वो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। इवन जो गूगल पे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, सब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आज इस कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस मॉडल के अंदर लगाए हैं और अपने बिजनेस को इस मॉडल के थ्रू वो बढ़ा रहे हैं, राइट। अगर हम बात करें क्यों जरूरी हो जाता है इसकी नॉलेज लेना कि नेटवर्क मार्केटिंग और इलीगल पोंजी स्कीम्स के बीच का डिफरेंस क्या है, वो हम आज यहां पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कम उम्र में, कम समय में एक बड़ी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, हम सभी लोग, इवन मी ऑल्सो, लेकिन इसके चलते हम कई बार शॉर्टकट्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, और वो शॉर्टकट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें भारी पड़ जाते हैं। कैसे, अगर हम बात करें, आप सभी लोग, कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी कंपनी इलीगल है, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी सही नहीं है, कौन सा मॉडल सही है, कौन सा मॉडल सही नहीं है, ये सब चीजों की डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम बात करें, हम सभी लोग इंडियन करेंसी यूज करते हैं, क्योंकि हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो इंडियन करेंसी हम सभी लोग यूज करते हैं, और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडियन करेंसी में एक ओरिजिनल करेंसी है और एक डुप्लीकेट करेंसी है। क्या है, एक डुप्लीकेट करेंसी है और एक ओरिजिनल करेंसी है जो कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जारी की गई है।
और एक मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी करेंसी चल रही हैं जो कि डुप्लीकेट है, जो कि जेन्यून नहीं है। तो जब भी ये एक हमारी हैबिट है, जब भी हम कोई भी इंडियन करेंसी नोट हम अपने हाथ में लेते हैं तो हम रखने से पहले अपनी पॉकेट में हर बार, कितनी बार भी हम हर बार ये जरूर चेक करते हैं कि ये इंडियन नोट असली है या डुप्लीकेट है। कितने लोग ऐसा करते हैं, मतलब अगर उनके हाथ में 2000 रुपए का वो पिंक नोट आता है तो कितने लोग हैं जो उसको वेरीफाइड करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो नोट है ये असली है या ये नोट जो है वो नकली है। और इसको चेक करने के कुछ पैरामीटर हैं जिसके चलकर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इज योर 2000 रुपीज और 500 नोट इज फेक, क्या वो नकली है, क्या वो असली है। नकली नोट भी मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं, लोग उसको चला रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि वो नकली हैं। उन लोगों को नहीं पता है जिन लोगों को चेक करना नहीं आता। अब मेरा सवाल है, अगर मार्केट के अंदर नकली नोट सर्कुलेट हो रहा है तो क्या मैं नोट यूज करना बंद कर दूं? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैरामीटर, ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैरामीटर बनाए हुए हैं ये चेक करने के लिए कि कौन सा जो करेंसी है वो ओरिजिनल है और कौन सी करेंसी है वो डुप्लीकेट है। और उसी पैरामीटर के बिहाव पर हम, आप और सभी लोग, हम ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि दिस करेंसी इज ओरिजिनल और दिस करेंसी इज डुप्लीकेट। एंड व्हाट आर दोज पैरामीटर, हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमें चेक करना होता है और हम चेक करने के बाद ये पता लगा पाते हैं कि ये जो करेंसी है ये असली है या ये करेंसी जो है ये डुप्लीकेट है, राइट। हम क्या चेक करते हैं, हम गांधी जी को चेक करते हैं। बहुत सारे पैरामीटर हैं जो कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या वो पैरामीटर हैं जिसको लेकर हम चेक करते हैं, राइट। वैसे ही जैसे कि एक करेंसी को चेक करने का पैरामीटर बनाया गया है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग और पोंजी स्कीम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं और उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं जो एक लीगल और जेन्यून कंपनीज हैं, क्या क्या पैरामीटर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ध्यान रखना चाहिए उसमें एडमिशन लेने से पहले। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जब एक यंगस्टर जब कॉलेज से पास आउट होके निकलेगा नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स कर और वो एडमिशन लेने के लिए जाएगा, क्योंकि आज हर इंस्टीट्यूट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्रीज और एजुकेशन दी जा रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कौन कौन सी कंपनीज हैं जो एक सही कंपनी है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सही कंपनी नहीं है। इसी के लिए हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मैं सरल भाषा में भी आपको कुछ पॉइंट्स में बता सकता हूं, बट मैंने सोचा कि आपको प्रॉपर एक लीगल आइडेंटिटी, एक गाइडलाइंस के थ्रू ही चीजों को समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर कमेंट ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी रोटी सेकने के लिए आते हैं इस इंस्टा लाइव के सेशन के अंदर, उनके अंदर सीखने की उम्मीद नहीं है, वो अपने नंबर डालकर लीड्स डोनेट करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, राइट। तो अगर आपको अपनी रोटी सेकनी है तो अपने इंस्टाग्राम सेशन में सेकें, मेरे इंस्टाग्राम सेशन में सेकने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आज के इस सेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दोज पेजेस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की आपको मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको एडवाइजरी दिखा रहा हूँ। ये इंडियन गवर्नमेंट की 2016 के अंदर रिलीज करी हुई गाइडलाइंस हैं जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीति आयोग द्वारा रिलीज की गई हैं और इसी चीज से मैं आपको आज यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या हम जो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किन किन चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यू कैन से डायरेक्ट सेलिंग,
यू कैन से MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और यू कैन से नेटवर्क मार्केटिंग। तीनों ही जो टर्मोलॉजी यूज की जाती है वो एक ही बिजनेस को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाती है। अभी जो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, किस संदर्भ में उसका इस्तेमाल हुआ है, वो क्लॉज वन डेफिनेशन के अंदर, गाइडलाइंस के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्ट का मीन्स जो है वो क्या है, कंज्यूमर किसको कहा गया है, कंज्यूमर शैल हैव द सेम मीनिंग एज प्रोवाइडेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्रोस्पेक्ट किसको कहा गया है, डायरेक्ट सेलर किसको कहा गया है, नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग किसको कहा गया है, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर क्या क्या मतलब होल्ड करते हैं वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो बहुत ही लंबा ये सेशन हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली क्लॉज वन के 11th पॉइंट पर आता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जो क्लॉज वन के 11th पॉइंट पर जो रेड लाइन मैंने यहाँ पर कर रखी है उसको ध्यान से समझने की और सीखने की ज़रूरत है। क्लॉज वन में 11th पॉइंट पे साफ साफ लिखा है पिरामिड स्कीम मीन्स। पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझाने की कोशिश करी है। अब मल्टी लेयर नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स टू अ स्कीम फॉर्म बाय द सब्सक्राइबर एनरोल वन और मोर सब्सक्राइबर इन ऑर्डर टू रिसीव एनी बेनिफिट। क्या कहा गया है यहाँ पर, यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर सब्सक्राइबर को हम ज्वाइंट अगर करवा रहे हैं, एनरोल अगर कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर को ज्वाइंट और एनरोल करने पे इन ऑर्डर टू रिसीव एनी बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली आप पैसे की टर्मोलॉजी में और इनडायरेक्टली किसी रिवॉर्ड के भी टर्मोलॉजी में, एज अ रिजल्ट ऑफ एनरोलमेंट एक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ एडिशन सब्सक्राइबर टू द स्कीम्स द सब्सक्राइबर एनरोलिंग फर्दर सब्सक्रिप्शन, और वो अगर किसी और को एनरोल कर रहा है और उसके बीच में बेनिफिट मिल रहा है तो उसको हम पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं कमेंट एक मिनट के लिए ऑन कर देता हूँ, क्या आपको ये पिरामिड स्कीम किसको कहते हैं वो समझ में आया। सपोज करके चलिए अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं एक सब्सक्राइबर हूँ, मैंने अगर किसी भी चीज़ में एनरोल किया मतलब मैंने किसी भी चीज़ को ज्वाइंट किया, और ज्वाइंट करने के बदले में मुझे अगर कोई कैशबैक, कोई पेमेंट, कोई चेक मिल रहा है, और किसी को एनरोल करवाने पर भी चेक या कोई इनकम मिल रही है तो वो एक पोंजी स्कीम में आता है। मतलब एनरोल करवाने पर पैसा नहीं आना चाहिए, जो पैसा आना चाहिए वो प्रोडक्ट परचेज करने पर आना चाहिए। इस बात को मैं एक बार और से रिपीट कर देता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से हमें समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में इस इंडस्ट्री के बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो छवि है इस इंडस्ट्री के प्रति वो गलत बनी हुई है। राइट, क्लियर मैं आपको कर दूँ गाइडलाइंस क्या कहती हैं। गाइडलाइंस ये कहती हैं कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर रेफर करने पर आपको पे आउट दे रही है तो वो किसी को ज्वाइंट करवाने पे कोई भी कमीशन नहीं दे। मतलब ज्वाइनिंग पर अगर पैसा है तो वो लीगल आइडेंटिटी नहीं है, वो एक पोंजी स्कीम के अंदर आ जाता है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट, ये लाइन आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और डीप में जाते हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड डेट द अबव डेफिनेशन ऑफ पिरामिड स्कीम्स। राइट, यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है और ये बहुत लंबा टॉपिक है। इट हैज़ नो प्रोविजन डेट डायरेक्ट सेलर, मेरी स्क्रीन के ऊपर मेरा फोटो आ रहा है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, तो मैं क्लॉज वन के 11th सेक्शन के अंदर ए और बी पॉइंट को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ें। बी पॉइंट के अंदर लिखा है फॉर एन अमाउंट डेट एक्सीड्स एन अमाउंट फॉर विच सच गुड सर्विस कैन बी एक्सेप्टेड टू बी सोल्ड और रीसोल्ड बाय द कंज्यूमर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लॉज वन के 11th सेक्शन के बी के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के अंदर अगर है
और उसका जो प्राइस है, उसका जो अमाउंट है प्रोडक्ट्स का गुड को सेल करने के प्रति, अगर वो एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और रीसोल्ड टू द कंज्यूमर, मतलब वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, उसकी जो प्राइसिंग है वो ओवर प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए कि बिजनेस के साथ जोड़कर अगर उसको ओवर प्राइज्ड वे में बेचा जा रहा है तो वो भी एक तरीके का मनी सर्कुलेशन और पोंजी स्कीम्स के अंदर आ जाता है। इसमें सेकेंड पॉइंट भी लिखा है, फॉर अ क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज that exceeds an amount that can be expected to be consumed by or sold by resold by the consumer। आपको बहुत क्लियरली मैं इस बात को फिर से इस स्टेटमेंट को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि हमें डिफरेंशिएट पता करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी चीज़, अगर ये 10 रुपये का पेन है और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ या किसी भी बिजनेस मॉडल के साथ ये मुझे 1000 रुपये का बेचा जा रहा है तो वो भी एक तरीके का मनी सर्कुलेशन है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, अगर ये 10 रुपए की चीज है, अगर ये 30 रुपए का साबुन है और मुझे एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ 1000 रुपए का बेचा जा रहा है तो ये भी एक तरीके का मनी सर्कुलेशन है जो कि भारत के अंदर अभी मैं दिखाऊंगा किस कानून के अंतर्गत वो आता है और उसको नहीं करना चाहिए। नीचे की साइड सबसे एक्सप्लेनेशन के अंदर हम अगर उसको पढ़ें तो एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविसो द टर्म मेटीरियल टर्म्स शेल्स मीन्स बाय बैक और रीपर्चेज पॉलिसी कूलिंग ऑफ पीरियड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कोई भी एक लीगल आइडेंटिटी अगर है उसमें गाइडलाइंस साफ साफ ये कहती है कि अगर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं और उसमें 30 डेज का कूलिंग पीरियड नहीं है, कूलिंग ऑफ पीरियड को क्या हम बोलेंगे, बाय बैक पीरियड, रीपर्चेज पॉलिसी और कूलिंग पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ये कंपलसरी है कि 1 महीने के अंदर रिटर्न पॉलिसी उनके पास होनी चाहिए। मतलब अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैंने किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा तो ये सरकार कहती है, गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड देना कंपलसरी है और मैंडेटरी है। मैंडेटरी है मतलब मैं 1 महीने तक अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता हूँ, ये कंपनी को कंपलसरी देना पड़ेगा। आप तुरंत अपने कान खड़े कर लीजिए अगर कोई भी कंपनी जो सो कॉल्ड अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग बोलती है और वो कहती है कि नहीं हमारे यहाँ कूलिंग ऑफ पीरियड 15 दिन का है, वो कहती है नहीं हम 7 दिन तक ही वापस लेंगे, हम 4 दिन तक ही वापस लेंगे, हम 20 दिन तक ही वापस लेंगे। आप समझ जाइए जैसे पीके मूवी के अंदर आमिर खान ने एक लाइन बोली थी, रॉन्ग नंबर है। आप तुरंत बोल दीजिए कि दिस कंपनी इज नॉट अ राइट कंपनी, इट इज अ रॉन्ग नंबर। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, वो उसको अप्लाई नहीं कर रही है, आज नहीं तो कल उसको आने वाले, या उसकी नियत सही नहीं है या वो गलत है। मतलब कूलिंग ऑफ पीरियड हर कंपनी के अंदर होना जरूरी है, ये मैं नहीं कहता, ये गाइडलाइंस का क्लॉज 1 का पॉइंट नंबर 11 का सेक्शन नंबर लास्ट में एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर साफ साफ ये मेंशनड है। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है पोंजी स्कीम्स में। और हम अगला पॉइंट इसी के अंदर मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पे ये लिखा है मनी सर्कुलेशन स्कीम, द वर्ड विच इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट इज मनी सर्कुलेशन स्कीम हैज द सेम मीनिंग एज प्राइस चिट फंड। मनी सर्कुलेशन एक्ट, बैनिंग एक्ट, मेरी स्क्रीन पर मैं यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का फोटो यहाँ पर आ रहा है और मुझे नहीं पता कि मेरे फोटो को इस तरह से कैसे हटाएंगे। 12th पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है उसको आप जरूर पढ़िए, 13th पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है उसको भी आप जरूर पढ़िए क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि जो प्रॉफिट है और जो कमीशन है, राइट, देर इज नो प्रोविजन डेट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रिक्रूटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 13th का ए और बी और सी, ये जरूर आप पढ़िए। जो 13th का ए और बी और सी पॉइंट यहाँ पर लिखा है वो जरूर आप उसको पढ़िए। साथ में अब मैं कैसे और डिफ्रेंशिएट करूँ कि कोई भी कंपनी एक लीगल, एक सही कंपनी है या गलत कंपनी है, मैं थोड़ी सी सरल भाषा में बता देता हूँ व्हाट इज द माइनर डिफरेंस। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है पोंजी स्कीम्स और जेन्यून नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या माइनर से डिफरेंस है। गाइडलाइंस ये कहती है नेटवर्क मार्केटिंग, नोट माई लाइन, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कैन ओनली बी डन ऑन फिजिकल प्रोडक्ट्स।
नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कैन ओनली रन ऑन फिजिकल गुड्स और प्रोडक्ट्स, इट कैन नॉट बी रन ऑन सर्विसेज। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कैन ओनली बी रन ऑन फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स मीन्स दोज गुड्स ऑन विच आई कैन टच एंड फील। फिजिकल मतलब जिनको मैं टच कर सकता हूँ, जिनको मैं छू कर सकता हूँ। अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट फिजिकली टच नहीं है और वो सर्विसेज मतलब होटल बुकिंग, पेमेंट बुकिंग, राइट करेंसी, क्रिप्टो और सच काइंड ऑफ चीज़ों को यूज कर वो इस कॉन्सेप्ट को अगर चला रहे हैं, दैट मीन्स रॉन्ग नंबर है। वॉट इट मीन्स, इट इज अ रॉन्ग एंड टोटली रॉन्ग नंबर। वो कंपनी सही नहीं है, आप उसके अंदर मत जाइए, आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक अपने व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, राइट? व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए ये क्या है। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया और इसके अंदर लिखा था, COVID-19 इज अनेबल टू वर्क नाउ, यू कैन वर्क पार्ट टाइम ऑन योर मोबाइल फोन, यू कैन वर्क एट होम, ओनली नीड टू पे अ 500 रुपीज डिपॉजिट एंड यू कैन अर्न 100-200 रुपीज अ डे। अब मैं आपको यहाँ पर अवेयर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है एंड माई क्वेश्चन इज, ये जो 500 रुपए मुझसे अननोन पर्सन मांग रहा है इस बात के लिए कि आप मुझे 500 रुपए दीजिए एंड नाउ देन यू कैन अर्न 100-200 रुपीज अ डे। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क इज कि 500 रुपए के बदले में मुझे मिल क्या रहा है। इफ आई एम रेडी टू पे 500 रुपीज, मैं तुम्हें 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं, बट टू 500 रुपए के बदले में तुम मुझे देने क्या वाले हो, वॉट यू आर गिविंग इन रिटर्न वेन आई पेड यू टू 500 रुपीज। पहला सवाल, मतलब 500 रुपीज के बदले में तुम मुझे कुछ नहीं देने वाले, यू आर आस्किंग मी फॉर 500 रुपीज ओनली सो डेट आई कैन अर्न 100-200 रुपीज अ डे। मतलब मुझे पैसा कमाने के लिए तुम्हें 500 रुपए देने की क्या जरूरत है। मतलब अगर मुझे 100-200 रुपए कमाने हैं तो मैं तुम्हें 500 रुपए क्यों दूं। पहला सवाल, मैं बिना दिए भी तो कमा सकता हूं। तो कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग बोलते हैं सर दिस इज अ पोंजी स्कीम्स, कितने लोग एग्री करते हैं सर दिस इज अ टोटली एंड टोटली अ पोंजी स्कीम, के क्योंकि 500 रुपए इज नॉट अ बिग अमाउंट। लोग सोचते हैं कि 500 रुपए दूंगा 100-200 रुपए पर डे के आना शुरू हो जाएंगे, बट मेरा सीधा सीधा सवाल है, आप किसी को भी 500 रुपए अगर दे रहे हो तो क्या उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है, राइट? उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है, उसके बदले में व्हाट यू आर गेटिंग। 500 रुपए के बदले में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, आपको कोई बिल नहीं मिला और आपने सिर्फ 100 रुपए कमाने के चक्कर में, 200 रुपए कमाने के चक्कर में 500 रुपए दे दिए। तो मेरा आपसे, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, मैं जो आपको अवेयर करना चाहता हूं, वो ये अवेयर करना चाहता हूं कि आपके पास इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे दोस्तों के ही थ्रू, आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे ऑफर्स आएंगे। वो ऑफर्स क्या होंगे कि ये कॉन्सेप्ट है, इसमें 2000 रुपए लगाओ पर डे के 100 रुपए मिलेंगे, इतने रुपए लगाओ इतने मिलेंगे, इतने लगाओ इतने मिलेंगे। और हम लालच के चक्कर के अंदर, शॉर्ट टर्म मनी के चक्कर के अंदर हम ऐसी पोंजी स्कीम्स के अंदर फंस जाते हैं। क्या कह जाते हैं, हम फंस जाते हैं और ना ही सिर्फ हमारे पैसे फंसते हैं, इनफैक्ट हमारे कई दोस्तों के और रिश्तेदारों के पैसे फंस जाते हैं। सिंपल सा डिफरेंस है, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैन ओनली बी रन ऑन फिजिकल प्रोडक्ट्स, पहला चीज। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए। तीसरा, मैं आगे आपको गाइडलाइंस यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मेरे इंस्टाग्राम के अंदर जो गाइडलाइंस शो हो रही है वो थोड़ा सा जूम कर हो रही हैं, राइट? कंडीशन कंडक्ट फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। डायरेक्ट सेलर कंपनी को ये मैंडेटरी है कि अगर वो कहीं भी एनरोल कर रहा है किसी भी कंपनी के साथ, तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि उसका आइडेंटिटी कार्ड उसके पास होना चाहिए। कंपनी आप फिफ्थ क्लॉज के अंदर फर्स्ट में देखिए,
डायरेक्ट सेलिंग शुड कैरी देयर आइडेंटिटी कार्ड एंड नॉट वैलिड फॉर द कंज्यूमर परमिशन। साफ साफ उसके अंदर लिखा है, अगर कोई भी कंपनी आपको आइडेंटिटी कार्ड नहीं दे रही है और आपके पास नहीं है तो आप समझ जाइए वो कंपनी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, वो कंपनी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो क्लॉज नंबर 8 के अंदर पॉइंट लिखा है वो लिखा है नो पर्सन और एंटिटी शैल प्रमोट अ पिरामिड स्कीम एज अ डेफिनेशन ऑफ क्लॉज 1, नो पर्सन एंटिटी विल पार्टिसिपेट ऑन मनी सर्कुलेशन, जो कि साफ साफ लिखा है। और साथ में जो आपकी कंपनी है क्या उसका आपके स्टेट के अंदर, अभी वो क्लॉज यहां पर मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अंदर ये कहती है कि जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़े हैं क्या उसका आपके स्टेट के अंदर कोई भी ऑफिस है। क्योंकि अगर आपकी स्टेट में उनका ऑफिस नहीं है तो मुझे अगर प्रोडक्ट रिटर्न करना है या कंप्लेंट डालनी है तो मैं उसको कहाँ डालूंगा। इट इज इम्पॉर्टेंट कि वहां पर उनका ऑफिस होना चाहिए। आपका और एक कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट है, वो क्या है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि किसी भी कंपनी को शुरू करने से पहले हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग थोड़ा सा एजुकेटेड हों, इस इंडस्ट्री को एक प्रोफेशनल तरीके से हम चीज़ों को करें, राइट, हम प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को करें। क्योंकि आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है और जिस तरीके से आज हम हेल्प कर पा रहे हैं सप्लीमेंट्स को प्रोवाइड करके लोगों की लाइफ्स को हम सेव कर रहे हैं, आज हमारे पास वो चीज़ें हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड में है, जो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बहुत सिंपल है किसी भी लीगल और इलीगल आइडेंटिटी को डिफ्रेंशिएट करना। एफिलेटेड मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। एफिलेटेड मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी एक्स कंज्यूमर है या आइडेंटिटी है, वो किसी भी चीज़ को अगर डायरेक्टली किसी को रिफर करता है तो उसको हम एफिलेट मार्केटिंग बोलेंगे। लेकिन अगर किसी वाई पर्सन को, जिसको आपने रिकमेंड किया, अगर वाई ने किसी जेड को रिकमेंड करने पर अगर वाई को और आपको अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई जो मैंने बताया? अगर मैं किसी वाई पर्सन को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ और वो वाई किसी जेड को रिकमेंड करता है, तो जेड को रिकमेंड करने पे वाई को और मुझे अगर कुछ बेनिफिट मिला तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और अगर वाई को जेड को रिकमेंड करने पे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वो एफिलेटेड मार्केटिंग आ जाती है। आई होप सो कि आपको ये माइनर सा डिफरेंस एफिलेटेड मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग एफिलेटेड मार्केटिंग के नाम के बीच में मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं, यंगस्टर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, यंगस्टर उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ये सोचकर कि हम एक का दो कर लेंगे, दो का चार कर लेंगे और हेरा फेरी जो मूवी बनी थी चार दिन में पैसा डबल, वो उसी माइंडसेट के साथ उसके अंदर कूद जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो मैंने चूज किया, जो मुझे लगता है कि आज के इस टाइम के अंदर अपनी टीम को एजुकेट करना ताकि वो ऐसे शॉर्ट टर्म मेकिंग मनी कॉन्सेप्ट के अंदर अपना समय ना वेस्ट कर एक प्रॉपर जो लीगल आइडेंटिटी है, जो लीगल कॉन्सेप्ट है, जो कि टैक्स जिस पर डिडक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके साथ अपना करियर बनाएं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक कॉन्सेप्ट के साथ लगकर काम कर रहे होते हैं और बीच बीच में ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो आपका जो मेन कैरियर है जिस पर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आप उससे डाइवर्ट हो जाते हो और ना आप फिर इधर के रहते, ना आप उधर के रहते और आप फिर कहीं के भी नहीं रहते, क्योंकि यहाँ से भी आपको बायकॉट कर दिया जाता है। वहाँ पर आप गए थे कैरियर बनाने के लिए, वो भी 6 महीने के अंदर वाइंड अप हो जाती है। फिर आप वापस जब यहाँ पर जाते हो तो लोग आप पर विश्वास नहीं करते और आप कहीं के भी नहीं रहते। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज में था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था 2009 के अंदर, 2010 के अंदर मुझे याद है, 2011 में शायद एक ऐसा ही पहली बार मैंने सुना था चीज़ आई थी, स्पीक एशिया, राम सर्वे, ऐसे करके एक बहुत बड़ा स्कैम कहीं ना कहीं आया था स्पीक एशिया के नाम पर, आई डोंट नो आपको अवेयर है कि नहीं। तो उसमें क्या बोला कि 10,000 रुपये आपको देने हैं और आपकी ईमेल आईडी पर रोज सर्वे आएंगे, उन सर्वे को घर बैठे बैठे आपको करना है और हर महीने आपको 3,000 रुपये महीना आना शुरू हो जाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट समझिए। उन्होंने कहा, राइट, मलेशिया की कोई कंपनी थी, उसने कहा कि आपके
मोबाइल फोन पर ईमेल आईडी पर अगर आप एनरोल करेंगे 10,000 रुपए देकर, तो कंपनी को सर्वे करवाती है कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए। आपको सर्वे आएंगे, आपको हर दिन 10 सर्वे करने होंगे और 10 सर्वे करने पर, 50 सर्वे करने पर आपको हर महीने के 3,000 रुपए आएंगे। कॉन्सेप्ट आपने समझा? लोगों को लगा कि यार ये तो कुछ बढ़िया चीज है, 10,000 रुपए दो, हर महीने 3,000 रुपए लो, जिंदगी सेट हो गई, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं। लोगों ने 1,00,000 रुपए लगाए, एक एक घर से 10-10 IDs लोगों ने लगाई, सोचा 30,000 रुपए महीना आना शुरू हो गए 1,00,000 रुपए लगाकर, बढ़िया है, मेरा जिंदगी सेट हो चुकी है। मेरा आपसे सवाल है, पहला सवाल, 10,000 रुपए के देने के बदले में मुझे मिला क्या? मिला कुछ भी नहीं, कोई भी प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला, पहला चीज। दूसरा, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि घर बैठे 30,000 रुपए आ सकते हैं, तो फिर सारे मॉल्स बंद हो जाएंगे, सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी, सारे शोरूम बंद हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा और सभी लोग घर बैठ के सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में काम करना शुरू कर देंगे। ऐसा कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्विक मनी स्कीम्स होती हैं, इनसे हमें बचने की जरूरत है और अपने कैरियर पर फोकस होने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो यूथ थे, जो अनएजुकेटेड थे, वो उसकी तरफ डाइवर्ट हुए और उन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो सही जगह वो काम कर रहे थे, उनको लगा कि यहाँ पर तो यार 4 से 5 साल लगेंगे, 3 से 4 साल लगेंगे, ये कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है, यहाँ पर 1 साल में हो जाएगा, यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो घर बैठे बैठे 30 से 40,000 रुपए महीना आ जाएंगे, ये ज्यादा बढ़िया है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी टीम को उधर डाइवर्ट किया और अंत में आज वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई टॉवल्स की दुकान लगा के बैठा है, कोई पापा के बिजनेस में है, कोई दूध की डेयरी पर बैठा है, आज वो वहां के भी नहीं रहे और उन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस के पैसे उसके अंदर लगवाए और आज कहीं ना कहीं उनकी छवि भी खराब हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग की जो गाइडलाइंस हैं उनको कहीं ना कहीं पढ़े, उनको कहीं ना कहीं समझे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसकी वेबसाइट है www.mca.gov.in, वहां पर जाकर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज और नेटवर्क मार्केटिंग की जो गाइडलाइंस हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। तो एक माइनर सा डिफरेंस कहीं ना कहीं मैं बताना चाह रहा था, आई होप सो मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा होगा। और जो भी प्लान्स हैं, प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ओवर प्राइस प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि बिना मार्केटिंग प्लान के भी कोई भी कंज्यूमर उसको खरीद सके, बाय बैक पॉलिसी होनी चाहिए, कंपनी के स्टोर्स होने चाहिए, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो मैं कहीं भी जाकर वहाँ पर उसको रिटर्न कर सकूँ। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है कहीं एक पर्टिकुलर शहर में और कोरियर के थ्रू वो पूरे भारत के अंदर बिजनेस करती हैं, राइट? अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट आया मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर उसको रिटर्न करने में मेरे को ही अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। इनफैक्ट उनका लॉजिस्टिक सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं होता है और लॉजिस्टिक सिस्टम जब अच्छा नहीं है आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर जियो मार्ट अमेजोन इतनी तेजी से अपने जो ग्रॉसरी लाइन है उसको चेंज कर रहा है, उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर अगर लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, कोरियर सर्विस अच्छी नहीं है, तो शायद उस कंपनी का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं होगा। और आज मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड होता है कि आज के टाइम के अंदर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सामने निकल कर आई है जो कि इस आज के टाइम में अप्रैल की रैंकिंग, दुनिया की इंटरनेशनल रैंकिंग, मोमेंटम रैंकिंग आज 18 उन्होंने हासिल की है। बहुत बड़ा रोल आज वेस्टीज प्ले कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज है उसको इम्प्रूव करने में। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि आई एम एसोसिएट विद वन ऑफ द टॉप कंपनी इन द ग्लोब और इन इंडिया, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आई होप सो शायद मैं सक्सेसफुल रहा होऊंगा आपको आज के इस सेशन के अंदर थोड़ा सा एजुकेट करने में कि पोंजी स्कीम्स और लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बीच में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई होप सो कि आज का सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, आज के सेशन के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। ऑल दो मेरा जो इंस्टाग्राम लाइव होता है एवरी वेडनेसडे वो रात के 9 बजे होता है, बट टुडे आज हमारा रात के 9 बजे एक हेल्थ केयर सेशन है 8:30 बजे, जिसके कर मुझे आज का सेशन 7 बजे प्लान आउट करना पड़ा। वैसे हम हर बार
9 बजे सेशन को करते हैं। अगले वेडनेसडे को हम फिर से एक बहुत अमेजिंग टॉपिक के साथ आएंगे, जो टॉपिक आपकी टीम को और आपके लिए हेल्पफुल होगा इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ने के लिए। और जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा चूजिंग द राइट कंपनी फॉर यू, चूजिंग द राइट कंपनी फॉर यू। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिस पर हम बात करेंगे वो होगा चूजिंग। अब तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग और कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें पोंजी और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में। अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सही कंपनी का चूज या चॉइस हमें करनी है। कैसे हम पता करें कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है, कौन सी कंपनी को हमें साथ जुड़ना चाहिए, कौन सी कंपनी के साथ हमें जाना चाहिए। मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को लेकर बाइस होकर कोई ट्रेनिंग नहीं लूंगा, मैं एक जेन्यून ट्रेनिंग को हम यहाँ पर लेंगे। और आई थिंक ये टॉपिक बहुत लोगों को हेल्प करेगा कि कैसे एक सही और गलत कंपनी के बीच में हम डिफरेंस पता कर सकें। सो आई वॉन्ट टू थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन टूडे सेशन। बहुत सारे लोग जो आज इस सेशन के अंदर ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि टाइमिंग जो था थोड़ा सा ऑड टाइमिंग आज हमने रखा है 7 बजे, तो ये मैं अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। इसका लिंक जो है वो आप सभी लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपनी टीम के अंदर, एंड आई होप सो दैट थोड़ा सा उनको अवेयरनेस इस इंडस्ट्री के बारे में पता लग पाएगी। सो इन द लास्ट, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट गो आउटसाइड, और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इम्यूनिटी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम के अंदर अगर कोई चीज़ है जो आपके साथ इस समय पे खड़ी है या कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ इस समय बचा सकती है, तो वो आपकी खुद की इम्यूनिटी ही है और कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम बात करें आज हेल्थ केयर सिस्टम की, कोलैप्स हो चुका है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे नेशंस की, तो इस समय पर यू आर एट योर ओन। अगर मैं अपने ही दम पर हूँ, मुझे अपने ही दम पर प्लाज्मा अरेंज करना है, अपने दम पर ही मुझे ऑक्सीजन अरेंज करनी है, अपने दम पर ही मुझे मेडिसिन अरेंज करनी है, अपने दम पर ही मुझे सब कुछ करना है, तो मैं आपको रियली बोलूंगा बेटर है कि ना ही अरेंज करना पड़े। और ना अरेंज करना पड़े के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, थोड़े से भी सिम्टम्स हैं, थोड़ा सा भी आपको कोई भी आपको लग रहा है कि अनयूजुअल है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, प्लीज स्टार्ट योर मेडिकल कोर्स ऑफ COVID-19 का। जो मेडिकल कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मेडिसिन सर्कुलेट किए हैं, जो उन्होंने बताया है जो मेडिसिन हमें लेनी चाहिए, उसको तुरंत आप स्टार्ट कर दीजिए विदाउट एनी डिले, तो हम और इम्यूनिटी पर अपना काम करना शुरू कर दीजिए तुरंत ही, बिल्कुल भी डिले के बिना। मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर करता हूँ, दीज आर द मेडिसिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड्स मेडिसिन प्रोटोकॉल बना रखा है कि अगर आपको माइनर सा भी कोई फीवर है आपकी फैमिली के अंदर, गो टू द मेडिकल, ये मेडिसिन आप तुरंत खरीद लीजिए। और अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी अच्छी बात है, आप कोर्स स्टार्ट कर दीजिए और अपना टेस्ट करवाइए, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और तब तक आप देरी हो चुकी होती है और फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं, जिसको आप ले सकते हैं। अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को अवेयर करिए, इसको अदरवाइज मत लीजिए, राइट? क्योंकि अगर मैं अपने नेशन को इस समय पर सपोर्ट कर सकता हूं, तो मेरा ऐसा मानना है अगर हम सब लोग और हमारी फैमिली हेल्दी रह सकती है, स्वस्थ रह सकती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि अगर हम खुद हेल्दी हैं और हमारी फैमिली हेल्दी है, क्योंकि उन पर बर्डन नहीं आएगा, स्टाफ पर बर्डन नहीं आएगा, और हम अपने देश को फिर से खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं इस कोविड की कारण काफ़ी पीछे चला गया है। जॉब्स कम हो गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, यंगस्टर यूथ अपना 2 साल से घर बैठे हैं, कॉलेज उनके घर पर कंप्लीट हो रहे हैं, स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट हम दोबारा से खड़े होकर दिखाएंगे और दोबारा से हम अपने नेशंस को खड़ा करेंगे। सो इन द लास्ट, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।